हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी बेटी की पहली वैक्सीनेशन थी और जब इसको डॉक्टर ने वैक्सीनेशन के लिए बुलाया और इसको इंजेक्शन लगे तो ये जिस तरह रोई और हमारे दिल को पता नहीं कुछ अजीब सा ही होने लग गया था। लेकिन ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तो वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी था। और वैक्सीनेशन के बाद जो है मैंने सोचा हम अपनी बेटी को घुमाएंगे, क्योंकि ये अभी छोटी है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी सो रही है, क्योंकि मैं एक घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ ताकि जो इसका पेन है वो थोड़ा सा कम हो। क्योंकि जब किसी भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगती है तो वो 2 दिन तक बच्चा या बच्ची तंग करती है। तो मैंने कहा यार मैं इसको थोड़ा सा घुमाता भी हूँ, इसकी माँ को भी घुमाता हूँ और अपनी बेटी को भी घुमाता हूँ। तो हम अभी आ गए हैं सीव्यू और हमने जो है सोचा पहले 2 कप चाय पीते हैं और 2 समोसे भी हमने मंगाए और उसके बाद हम चाय पियेंगे। और फिर जब तक 3-4 घंटे नहीं गुजर जाएंगे मैं अपनी बेटी को गाड़ी में घुमाता रहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो घर लेके जाऊंगा तो ये ज्यादा रोएगी। तो इसीलिए हम आपको सीव्यू के नज़ारे भी करवाते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद सीव्यू आया हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें न्यू देखी हैं और मुझे सीव्यू साफ सुथरा देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और अभी हम आपको सीव्यू के नज़ारे करवाते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजिंग की है। और पानी भी काफी आगे आया हुआ है और अभी 2 दरिया अगर मेरा मूड हुआ तो वहां के भी आपको मैं नजारे करवाता हूँ और सी व्यू के भी करवाता हूँ। हमारी बेटी पैदा हुई थी दिसंबर की 14 तारीख को और अभी ये 1.25 महीने की हो गई है। मैंने तो आपको बताया नहीं था, तो मैंने कहा जब ये 1.25 महीने की हो जाएगी तब हम आपको व्लॉग भी बनाएंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। और अभी जो मैंने समोसे ऑर्डर किए थे, खुदा माफ करे, इतने मसाले वाले थे तो मैंने तो ऐसे ही वापिस दे दिए। मैंने कहा भाई ये समोसे तुम वापिस ले जाओ और 2 चाय ही ले आओ। 10 मिनट हो गए और अभी तक चाय ये बंदा लेके आया नहीं है। हमारी जनाया बेटी है वो बहुत ज्यादा हमें तंग कर रही है, क्योंकि उसको इंजेक्शन जो लगे हैं वो काफ़ी पेन कर रहे हैं। और अभी मैं उसको गाड़ी में लेके घूम रहा था ताकि वो ना रोए, लेकिन उसका बच्ची है छोटी इसलिए तंग भी करेगी और रोएगी भी। एनीवे अभी मैं सीवीओ पर आया हूँ और यहाँ पे सफाई सुथराई देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप ये नज़ारे चेक करो। अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे भी ये पार्क वगैरह बनाएंगे। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है और लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। जनाब अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि धूप भी काफ़ी कड़क हो गई है और कराची में सर्दी पड़ रही थी 3-4 दिन से, लेकिन सर्दी जो है सिर्फ ये जनवरी की एंड तक ही है, क्योंकि आगे फरवरी, मैंने पूरा फरवरी चेक किया है गूगल पे और वेदर भी मैंने देखा तो कोई सर्दी वर्दी नहीं है। तो गर्मी भी काफ़ी कड़क की होने वाली है कराची में और सर्दी तो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रही है कराची वालों को। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि भाई कराची में सर्दी 5 दिन के लिए आती है तो आप लोग इन्जॉय करें। और अभी सीन सीव्यू का देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और साफ सुथरा सीव्यू हो गया। लोगों का भी फर्ज बनता है कि ये सीव्यू साफ रखें। और अभी हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।